गाइस, आपको पता तो लग ही गया होगा कि आज हमारे गांव में मेला है। तो दोस्तों, ये शायद हमारी लास्ट वीडियो है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का ब्लॉग है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आज है हमारे गांव का मेला कोटडू करासा। तो इसके लिए मैं और दीदी शिमला से आया और हनीश भी आरामपुर से आया। तो मेला तो आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि दीप्ति ने मना किया है। तो आपको मिलाते हनीश भैया से। तो यहाँ पर है हनीश भैया। क्या हुआ भाई जी, आप किस लिए आया गाँव? अरे मैं आया हूँ रामपुर से गांव स्पेशल मेले के लिए, जो कि हमारा एकमात्र मेला है कोटडू करासा का। मतलब वो कहते हैं ना, अपनी विलेज का मेला सबको अच्छा लगता है, बट हमारा मेला इसलिए स्पेशल है क्योंकि उसको आप कैमरे से कभी देख नहीं पाएंगे मेरे हिसाब से, और इसको बस आप आंखों देखा देख सकते हैं। तो प्लीज़ मेले में आए। अगर आप इस व्लॉग को देख रहे हैं तब तक मेला ओवर भी हो जाएगा, बट पता होगा आप लोगों को भी, न्यूज़ वगैरह पहुँच की होगी, तो प्लीज़ हमारे मेले में ज़रूर आए। सो गाइस, आपको पता तो लग ही गया होगा कि आज हमारे गांव में मेला है, और बस हम तो बहुत ही खुश हैं। एक तो हम शिमला से आए, मेले के लिए आए थे, पर अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा सकती, पर ये दो ज़रूर जाएंगे। चलो फिलहाल तो, वैसे तो मैं रक्षाबंधन के लिए आई थी वैसे, बाकी चलो। और अभी ये दो डाल रहे हैं अनार की करेटे गाड़ी में। हाँ देखिए, ये अंकु के अनार थे और ये बेचने के लिए जा रहे हैं रोडू तक, और बस हमको जाना है वहाँ ऊपर। हाँ, ऊपर जाना पड़ता है मेले के लिए। ठीक है फिर, ओके। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं घर और माता जी से पूछते हैं जरा मेले के बारे में, उनके क्या विचार है। क्या विचार है आपके मेले के बारे में? क्या विचार मेले के बारे में? मेले में सब इतने खुश हैं कि आज मेले में जा रहे हैं सारे बच्चे, छोटे बड़े सब पोते मेले में, मेले ऊपर जाते। वैसे खास तो कुछ नहीं होता, यहाँ से देखते ना बिल्कुल जाते, पर जाते सारे पूरे गाँव वाले, इतना आनंद मिलता ना वहाँ, बहुत ही अच्छा लगता वहाँ पर, इतना अच्छी जगह है वहाँ बैठते है, ऐसी शांति मिलती मन को। मतलब इधर भी देखो यार, रुको इधर देखो, यहाँ पे माता जी बहुत ही अच्छा खाना बना रहे हैं। बोलो आज मेला है तो आज पनीर बनना चाहिए। अच्छा, और दिन तो खाने वाले चाहिए, या तो खाने वाले जैसे यार, जो भी बोलो ना, मम्मा थोड़ा पनीर ठीक ठीक ही बनाते हैं, बाकी चीजें अच्छी बनाते हैं, पर पनीर मतलब मेरे को रूट्स वाले पानी वाले पनीर क्या देते ना, जिसमें पानी ज्यादा पड़े, दूध भी मिलता था वहाँ पानी वाला, और ओरिजिनल मिलता था, ओरिजिनल सारी चीजें वहाँ पर है ना। इधर भी देखो हमारी तरफ फिर। मैं तो पानी भी यहाँ देखो यार वहाँ। हाँ जी बोलो। अब बताओ हमारे सब्सक्राइबर्स को क्या कहना चाहेंगे जो मेले में आने के इच्छुक है, क्या वो कैमरे से मेला देख सकते हैं आपके हिसाब से? नहीं, यहाँ देख के बताओ क्यों नहीं? वहाँ पर निकालने पड़ते फोटो वगैरह, कुछ नहीं है मेले के भी, नहीं मंदिर के भी, किस के लेने, ठीक है। तो दोस्तों देखा, यही डर है मेरे अंदर भी। मेरा मूड़ा भी दिखा सकते, देवते नानू का भी ना, मंदिर भी ना, देवते नानू को भी नहीं दिखा सकते, कुछ नहीं वहाँ पर। जो जिसने आना शांति से बैठो, आनंद लो मेले का, मर्जी की आ तो कोई भी सकता हूँ ना, आ तो सकते, आ तो सब सकते, आंखों देखा सब देख सकते। दोस्तों, मैं और दक्ष भाई हो गया टिप टॉप रेडी, और इसके बाद का सीनरी दक्ष भाई बताएंगे। तो दोस्तों, ये शायद हमारी लास्ट वीडियो है, लास्ट क्लिप है, क्योंकि इसके बाद का हम बिल्कुल नहीं दिखा सकते, बाकी आप समझ ही सकते, समझ रहे हो, मतलब ये व्लॉग है मेले के बारे में, बट आपको मेला ही नहीं दिखेगा। दोस्तों, मेहनत का पसीना निकाल के हम पहुंच चुके हैं करासा, और यहाँ से हमारे दीप्ता साहब जी ऊपर चले गए। दक्षवान जी का क्या कहना है? बहुत ही गर्मी है, खत्म हो गया। तो इससे बढ़िया तो शिमला ही है, ठंड तो है कम से कम, बोले हैं। कोटडू भी दोस्तों दूसरा चंडीगढ़ बन चुका है अभी इस मोमेंट पे, कोटडू करासा।
मिलाते हैं कुछ लोगों से आपको, क्योंकि आई होप आपने एक्सपेक्ट नहीं किया उन लोगों को। दी कब पहुंची आप? बहुत ही खतरनाक सरप्राइज देते हुए नीतू दी। आप खुद चलो यार, आप चल रहे हो तो तभी मम्मा आए, ऐसे बोल रहे थे। ए भगवान अभी नहीं आए, नहीं कहाँ है विभू? Here we have Mr. Vibhu. क्या कहना है, कैसा लग रहा है आपको है यहाँ आकर? बढ़िया। चले मेले के लिए? फिर चले फिर। और भाई जी हाउ आर यू? मिस्टर कंटेंट प्रोवाइडर है हमारे। कैसा लगा दक्षवान जी फिर आपको, मेरी मासी? बहुत बढ़िया। और मामू के बेटे बेटी जी? मस्त मस्त। ठीक है मासी, बाय 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 भैया। आ जाना, बाय मासी। तो दोस्तों गांव का मेला एंजॉय करके बहुत मजा आया, और उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस हमारे गोल्डी भाई। नहीं 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 नहीं, झूठ हो रहा है, झूठ हो रहा है। तो दोस्तों मेला हो चुका है ओवर, और बाकी हमारे गोल्डी भाई आगे बताएंगे किससे बात कर रहे थे। ओके ओके, तो क्या चक्कर है, कोटलू वाले रुक नहीं रहे आज डीजे नाइट के लिए? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बाय बाय, ध्यान रखना सबने अपना अपना। ओके ओके ओके, एंजॉय योर डीजे नाइट पार्टी।
आप लोगों से यही पूछना चाहता हूँ कि कल आप लोग सो क्यों गए थे, डांस में आप क्यों नहीं आए? पूरे दिन चल क्या सोता दोस्तों, ये है हमारे नाजुक दिलटे जो कि झड़क से बिलोंग करते हैं। क्या आप लोग अपने आप को नाजुक समझते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आप स्ट्रॉन्ग है? पर क्या हम लोग नाजुक है? हाँ। तुम तो छुप ही रहे। आज चलोगे फिर पार? कहाँ पार, आज तो यहीं रह रहे हो आप? वापस जाना है। वापसी वापसी नहीं आना, क्या वापसी? रियल मी। रियल तो आप हो। तो दोस्तों अभी अभी मैं नीतू दी और विभू पहुंचे हैं घर, एंड हम लोगों ने अभी मतलब मैंने तो अभी अभी कपड़े चेंज किए, दी वगैरह मम्मी के साथ बैठे परे, बट आज शाम को हम दोबारा से पास जा रहे हैं क्योंकि आज और है डी के नाइट। कल मतलब कि सारे नहीं हो पाए थे इन्वॉल्व क्योंकि बहुत लेट हो गया था, बारिश वरिश हो गई थी, बहुत कुछ हो गया था, बट आज सब लोग आएंगे मेरे हिसाब से एंड बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं घर और बहुत ज़्यादा थक गए हैं दोस्तों, बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है कि 3-4 बार पसीनों से नहा चुके हैं आज तो, बट बहुत ज़्यादा मज़ा आया ना आज के, बस एंडिंग में थोड़ा हो गया था पंगा, बट ऐसे बहुत ज़्यादा मज़ा आया ना आज के, मतलब अच्छे अच्छे गाने लगे थे और सब थे, दक्ष थे, दी थी एंड पार भी करासा वाले सब थे, मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो होता है ना एक मेले की वाइब होती है और सब जब साथ हो तो और ज़्यादा मज़ा आता है। तो दिस वॉज द मेला ऑफ कोटडू एंड करासा दोस्तों, अगर आप लोगों ने मिस किया है तो इस व्लॉग में देखिए, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए ऐसे ही इंजॉय करते रहिए मेले हमारे बाकी सबके एंड ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।